हेलो फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त एक रैली से। बीटीसी ऑन फ्यूचर्स ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया 72,000 के आसपास और इन स्पॉट चल रहा है राइट नाउ 71,800 के आसपास। ओके, और कह सकते हैं कि आज 10:30-11 बजे के आसपास बीटीसी की प्राइस अराउंड 68,000 थी। सडनली इसके अंदर एक अच्छा खासा एक रैली आया और आपके सामने अभी प्राइस है, अच्छा खासा चल रहा है। इथेरियम की बात करते हैं, 4,000 का लेवल उसने तोड़ दिया है। ओके, अब ये रैली और कितनी आगे जा सकती है, नहीं जा सकती है, बस आपको एक लाइन में कहना चाहता हूं कि मार्केट काफी बुलिश है। ओके, सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है, कहीं पे कोई नेगेटिव चीज नहीं दिख रही है जिसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे आए। अंटिल एंड अनलेस जो बड़े व्हेल्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। ओके, आपको बस मैं एक सिंपल सी चीज दूंगा, चार्ट दिखाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। बीटीसी का जो नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस है डेट विल बी नियर अबाउट 75,000। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट एक लेवल है। 75,000 अगर तोड़ता है और इसी तरह जिस हिसाब से 68 के बाद ये 70 को इसने अपना एक सपोर्ट बना लिया, अगर उसी हिसाब से चीजें चलती हैं देन नेक्स्ट इट कुड गो अराउंड 82 से 92 के आसपास जा सकता है। और बहुत हद तक मेरे हिसाब से बीटीसी जो है ये ट्राई करेगा अराउंड 1 लाख के आसपास जाने के लिए, क्योंकि इतना पास आ चुका है तो ये और ऊपर ऊपर जाएगा। हो सकता है कि एक अच्छी खासी लॉलीपॉप दे, 1 लाख के आसपास जाए या 99,900 के आसपास जाए, फिर वहां से उसमें थोड़ा समय सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तगड़ी रैली चल रही है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ पेनी ऑल्टकॉइंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे प्रॉफिट की उसके अंदर उम्मीद है। अब इससे पहले जितने भी ऑल्टकॉइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, चाहे पिक्सल की बात कीजिए, किसी की बात कीजिए, ठीक है, सब आज की तारीख में अच्छा खासा मुनाफा दे रहे हैं। ठीक है, एक ये भी था कि हाँ ठीक है चलो शेयर किया है, 4-5 दिन तक वो अपनी जगह पर खड़ा है, मूव नहीं आया, लेकिन अगर आपने उसको होल्ड किया था पेशेंस के साथ तो आज रिजल्ट आपके सामने, बहुत जबरदस्त तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट दिया है और उसी हिसाब से मैं उनको गिनाना नहीं चाहता यहाँ पे। ओके, अब उसी तरह से कुछ और ऑल्टकॉइंस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, आपकी मर्जी है, आपको उसको लेना है तो मेरे हिसाब से अच्छी बात रहेगी, लेना है उसको होल्ड करना है अच्छी खासी रैली के लिए, क्योंकि बीटीसी ऐसे जा रहा है तो ऑल्टकॉइंस आप बैठेंगे नहीं, ऑल्टकॉइंस आप वापिस अपनी सेकेंड लेग मारेंगे ऊपर की तरफ। एक झलक बीटीसी का यहाँ पे देख लेते हम, ये देखो आप कैंडल देख लो, सिंगल डे का कैंडल जबरदस्त अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है। ओके, एक और चीज यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, देखिए हालविंग जो इससे पहले भी आया है उसमें भी हमने देखा है कि अगर प्राइस ने एक चढ़ाव लिया है तो उसमें एक गिरावट भी रहती है। ओके, तो वो गिरावट भी हमें, यानी कि हम करेक्शन भी हमें देखना है, क्या पता वो इससे पहले आए, अगर नहीं आता है उसके बाद आ जाए, हालविंग के बाद आ जाए, बट वो छोटा मोटा एक करेक्शन जरूर होगा बिफोर बीटीसी जो एक अपनी रैली मारेगा। करेक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्राइस अच्छा खासा अगर ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा बहुत नीचे रेस्ट लेता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑफकोर्स देखेंगे, बीटीसी के अंदर देखेंगे, इथेरियम के अंदर देखेंगे और सारे जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर हम छोटा मोटा करेक्शन 101% जरूर देखेंगे। एंड डेट कुड बी ए पॉइंट जहां पे आपने जो मौका गंवा दिया है वो मौका आपको वापस मिलेगा। और मैं आपको कहूंगा अगर वो मौका मिलता है देन यू हैव टू ओनली पिक द ओल्ड कॉइन्स। ठीक है, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो। ओके, अब हम सीधा ओल्ड कॉइन्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर ठोक दो। ठीक है, 1 सेकंड लगता है, वहां पर लाइक वाला बटन है उसको दबा दो। ओके, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, शॉर्ट्स वीडियोस जो होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन मिस हुआ मतलब क्या है कि भाई कुछ मौका आपके हाथ से मिस हो गया। ठीक है, वैसे हम टेलीग्राम पे छोटा मोटा प्रॉफिट निचोड़ते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि दिन का $500 से $1,000 के आसपास बन जाए। ठीक है, डिपेंड अपॉन आप कितना उसमें निवेश करते हैं, आपका रिस्क फैक्टर क्या है, बट जहां जहां मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत वहां पे बताते रहता हूँ कि हाँ इसमें थोड़ा सा एक रेस्टिंग पीरियड आ सकता है, हमने पेपे में माल उठाया है मतलब शॉर्ट करके कमाया है, गाला में शॉर्ट करके कमाया है, फ्लॉकी में कमाया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें टेलीग्राम पे मिलती है, तो आप टेलीग्राम को भी प्लीज फॉलो जरूर कर लेना, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है,
अब जो ऑल्टकॉइंस बता रहा हूँ, प्लीज पेन और पेपर ले लो, अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिलने की उम्मीद है, गुंजाइश है। मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाने वाला, सीधा नाम बताऊंगा और क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉइन है मैटिक, मैटिक में आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, राइट नाउ इसकी प्राइस देख सकते हैं 1.22 के आसपास है। अब मैटिक मेरे नजर में जो है ना BTC इथेरियम के बाद सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है ये पॉलीगॉन का मैटिक है। इसने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंचा ये, ठीक है। तो इसको मेरे हिसाब से अभी भी कोशिश कर सकते हैं आप, इसको लेना बनता है, क्योंकि अपना जो टारगेट था मैंने 1.5 का दिया है, 1.65 का भी दिया है और 2 के आसपास भी मैंने इसका टारगेट दिया है, ठीक है। तो अभी भी मैटिक जो है ये आपको हमको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो अभी भी अगर आपने अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया या सोच रहे कि अब क्या करना चाहिए, साला मार्केट इतना ऊपर हो गया, तो भी एक छोटा मोटा जो फंड होता है उसमें से छोटा सा अमाउंट जो है वो मैटिक के अंदर डालो। कभी भी पूरा जो फंड है किसी भी एक कॉइन के अंदर मत डालना, क्योंकि अगर वो कॉइन लुढ़का तो सारा पैसा चले जाएगा। मैं आपके साथ जो कॉइन देता हूँ सब में डाइवर्सिफाई करो, ताकि अगर एक दो नहीं चल रहे अपनी जगह पे हैं तो बाकी जो है उनमें से कोई ना कोई भाई 100-200% मार देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये है जिलेटो नेटवर्क इन पेयर ऑफ टीथ। ये आपको MEXC पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और उसके साथ आपको शायद KU कॉइन के ऊपर भी ये मिल जाए, बायबिट पे भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉइन है इसके अंदर मेरे हिसाब से एक रैली अच्छी खासी बनती है आने वाले टाइम के अंदर। ये देख लो पूरा इसका ग्राफ एकदम बेस पे बैठा हुआ है, बेस से थोड़ा सा ऊपर उछला है, ये रेजिस्टेंस बस इसको यहाँ पे रोक रहा है, वापिस से थोड़ा बहुत नीचे आया है, रिटेस्ट करके वापिस ऊपर जा सकता है। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 0.72 के आसपास चल रही है, और इसके अंदर अपने अच्छा खासा इस लेवल के आसपास टारगेट देख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ से हम पकड़ते हैं होल्ड करते हैं तो भी हमें ये लेवल के आसपास भी जाता है तो 200-250% के आसपास होता है, वहां तक नहीं जाता तो इस लेवल के जो सपोर्ट के आसपास आता है भैया वो भी 120% के आसपास है, वहां तक भी नहीं जाता, किस्मत भी बहुत खराब है, तो भैया प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस का लेवल था वो भी 50% के आसपास है। तो ये कॉइन मेरी नजर में अच्छा है, मैं छोटा मोटा इसके अंदर निवेश करने वाला हूं, आप भी इसको देख समझ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन यहाँ पे हम बात करते हैं LRC लूपरिंग की बात करते हैं, और ये आपको सारे मेजर एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा, बट आई रेकमेंड ट्रेड ऑन बिटकॉइन BingX इनके ऊपर आप ट्रेड करो। सिनेरियो आपके सामने है, चार्ट देखिए पूरा सपोर्ट लेवल के आसपास है, सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर उठा है और ये रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को जब भी तोड़ता है तो इसकी प्राइस यहाँ तक जाती है, यानी कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो नियर अबाउट 100% के आसपास ये छलांग मार सकता है, और बहुत ज़्यादा इसकी किस्मत अगर चमकी तो ये भैया बहुत ऊपर जा सकता है। जो भी ऑल्टकॉइंस में देख रहा हूँ, चाहे हम शिबाइनो की बात करते हैं, पेपे की, फ्लॉक की बात करते हैं, सब 1000% रैली मार रहे हैं, ठीक है। तो LRC जो है इसमें अभी चमक आई नहीं है, हाँ अगर आप बहुत चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़ गया यहाँ से, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी पिक्चर हमें सामने देखने को ये मिलती है कि भैया इसने अभी इंपॉर्टेंट जोन के अंदर आना बाकी है। तो LRC है राइट नाउ 0.42 के आसपास चल रहा है, इसको देखो समझो और लेने की कोशिश जरूर करो। नेक्स्ट कॉइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो SKL इन पेयर ऑफ टीथर, और ये भी आपको सारे बड़े एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राउंडेड कर्व बना हुआ है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ने वाला है। राइट नाउ प्राइस चल रही है 0.10 के आसपास, और इसको अगर ये यहाँ से तोड़ेगा तो भाई ये सीधा पहला जो टारगेट होगा 0.2 के आसपास जाएगा, यानी कि 80-90% के आसपास, और उसके बाद से इस लेवल के आसपास आ सकता है जो 200% के आसपास है, ठीक है। तो SKL पे नजर बनाओ, लेने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेलर की, बात करते हैं XLM, ओके। अब ये भी देखिए बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, अपने टाइम में अच्छी खासी रैली देता था, और अभी कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये भी अपने बॉटम से धीरे 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 ऊपर उठ रहा है। ये इसका एक सपोर्ट था, डेट मीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो यहाँ से अगर मैं एक क्विक स्कैल्पिंग वाला भी टारगेट देखता हूँ तो भी मुझे 30% यहाँ पे नजर आता है, और उसके बाद से जो प्रीवियस एक सपोर्ट के आसपास 68% के आसपास मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बट आई वुड सी इट समवेयर लाइक हियर 200% के आसपास मैं इसको देख रहा हूँ XLM को आने वाले टाइम के अंदर। और ये सब जो कॉइन्स है ना, देखिए जब एक रैली आती है इतनी फास्ट अचानक आएगी, आप और हम देखते रहेंगे, हमने देखा भी सारे कॉइन्स के अंदर फटाक से 200-300% मार देंगे, ठीक है। तो XLM जो है ये भी लेने की कोशिश करो। अब सबसे बढ़िया एक और जो कॉइन मेरे को सामने नजर आ रहा है ये है कावा। कावा देखिए पहले कैसे यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और इस लेवल को जब इसने तोड़ा फटाक से प्राइस ऊपर गया, अगेन सेम तरह का यहाँ पे पैटर्न बना है, इसको भी यहाँ पे तोड़ेगा तो अच्छा खासा ये ऊपर छलांग मार सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 1.07 के आसपास चल रही है, और यहाँ से
हम अच्छी खासी रैली इसकी देख सकते हैं, जबरदस्त गया था पिछली बार 1700 से 1000% के आसपास गया था। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, 400-500% इसके अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्रिप्टो भाई, क्रिप्टो क्रिप्टो के अंदर जब रैली आती है तो भैया कमाने का मौका होता है, सोचने का मौका नहीं होता उस समय। ठीक है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, वेरी प्रॉफिटेबल बट अगेन वेरी रिस्की मार्केट ऑल्सो। ओके, तो काबा है, इसको भी लेने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं वी चेन यानी कि वीटी। ओके, ये भी देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले इसने कैसा रैली मारा था। ठीक है, यहाँ से जब इसकी शुरुआत हुई थी प्रीवियस बुल रैली के अंदर तो भैया 2500% मार दिया था, फिर नीचे एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट से कितना मार दिया, फिर 270% के आसपास मार दिया। सेम सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे भी ऊपर से उठा था नीचे आया था, यहाँ पे भी ऊपर से बना था नीचे आया है, अगेन यहाँ से एक रैली चलेगी। अभी हमें लगता है कि ठीक है, हाँ यार 2024 में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ऑलरेडी इसने 50-60-100% ऑलरेडी मार दिया। ठीक है, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ठीक है, तो वी चेन वेट है, वीईटी, इसके ऊपर नजर बना के रखो, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ टोटल कितने कॉइन यहाँ पे शेयर किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैटिक, देन जिलेटो, GEL, LRC, लूपरिंग, SKL, XLM, कावा और वी चेन। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे मीम कॉइन्स जो हैं दो उनके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे डॉज कॉइन की, बात करते हैं डॉज कॉइन में कम से कम 120% की ऑलरेडी यहाँ पे रैली लग गई है। बड़े पिक्चर में देखते हैं तो भाई ठीक है, अगर और अच्छा खासा हुआ, ये प्रीवियस सपोर्ट है और ये उसके आसपास ही चल रहा है, लोका नहीं, हमेशा की तरह से डॉज कॉइन जब ऊपर आता था तो प्रॉफिट बुकिंग आती थी, बट अभी आया नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, अगर इससे ऊपर आता है तो हमें वापस ये एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट रैली पकड़ सकता है, 0.3 के आसपास पकड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे एक देखिए, मीम कॉइन्स, डॉज कॉइन हो, शिबा हो, फ्लॉकियो, कोई भी हो, थोड़ा बहुत रिस्की रहता है, बट अगेन इसकी रैली अगर हम कंपैरेटिवली प्रीवियस रैली देखेंगे तो अभी तक उसका 25% भी नहीं हुआ है, तो थोड़ी बहुत हम इस पे रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा इसमें कॉशियसली ट्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिबा इनू का। देखो, शिबा इनू की रैली अच्छी खासी चली है, राइट नाउ मैं इसके अंदर हाथ मारने को आपको नहीं कहूँगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो टॉप था, यहाँ से अगर बात करूँ नीचे से तो इसने एक अच्छा खासा 400% की यहाँ पे ऑलरेडी एक रैली मारी हुई है। ठीक है, और अभी यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो थोड़ा बहुत शिबा इनू के अंदर एक रिस्क हो सकता है क्योंकि अच्छी खासी रैली ऑलरेडी चली है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रॉन का, इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो अगेन देखिए ट्रॉन जो है ये अच्छा खासा हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, बट अगेन ये भी बहुत अपने एक टॉप पे गया है, लेकिन अगेन ट्रॉन की कुछ पार्टनरशिप, कुछ न्यूज़ है, अभी राइट नाउ ऑन हैंड नहीं है मेरे पास, मैं आपको बताता, बट वो न्यूज़ भी है, बट अगेन मैं कहूँगा कि यार ये बहुत अपने एक टॉप के आसपास है। ठीक है, इसमें अभी तक मुझे कभी भी 2023 से हम इसकी रैली देख रहे हैं, कभी मुझे बड़ा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है कि ये अगर ऊपर गया तो जिन लोगों ने यहाँ से इसको एक्युमुलेट करते हुए आ रहे हैं वो अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये मेरे को रिस्की लग रहा है, जा भी सकता है बट मैं थोड़ा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, सेम फंड में और भी कॉइन्स के अंदर डालना ज्यादा पसंद करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कोशिश करना इनके अंदर एंट्री लेने के लिए, अपने फंड्स को इक्वल अमाउंट्स में डाइवर्सिफाई करो। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। ठीक है, और कोशिश करूंगा अगेन कुछ और मार्केट के अपडेट्स देने के लिए, इनफैक्ट फॉरेक्स के अंदर भी अच्छी खासी हलचल मच रही है, तो एक फॉरेक्स के ऊपर भी एक एनालिसिस आएगी, ट्राई करना उसके अंदर भी आप कुछ छोटा मोटा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।